बनाकर आदरणीय मंच विश्वस्त संजीव सर मदन कश्यप जी समाज सर्वशंकर नवीन सर और सभागार में उपस्थित विभोजन सुधारती सुधारती मित्र नामोजी पे कल जन्मदिवस है और जन्मदिवस की संपूर्ण संध्या पे मैं भी उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं मूलतः नामोजी ने जो आलोचना पत्रिका संपादित की है उस पर ही बात करना चाहूँगा कि उन्होंने आलोचना पत्रिका के माध्यम से हिंदी आलोचना के क्षेत्र में किस तरह से काम किया है और उनका जो साहित्य का जो अजुआ पल मुझे लगा कि इस पर भी बात करनी चाहिए। और मैं आज इस तरह से और कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में इस वक्त आलोचना पत्रिका के वर्तमान संपादक भी हैं संजीव सर अभी मौजूद भी हैं और मदन कश्यप सर भी जुड़े हुए हैं जुड़े थे कभी संपादन सहयोग था उनका आलोचना पत्रिका का जो सहस्राब्दी है निकाला गया। मैं ये बस आपको छोटी छोटी बातें हैं और उसको इतना रिलेट करके मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से नामवर जी का जो व्यक्तित्व है नामवर जी का जो काम है कैसे वो आलोचना से उनका जो कई बार हमें सवाल मन में आते हैं कई बार उनका व्यक्तित्व लगता है कि कभी इधर कह रहे कभी उधर कह रहे कभी मार्क्सवादी है कभी गैर मार्क्सवादी वाली बातें हो जा रही हैं कभी लगता है हमें कि जो है वो कभी किसी की तारीफ कर रहे कभी किसी की तारीफ कर रहे मार्क्सवाद कुछ लोग उनको कहते हैं कि बिल्कुल वो जो संशयवादी मार्क्सवादी हैं उनको अजीब अजीब तरह के सवाल उनसे जुड़े हुए होते हैं। मैं आलोचना के माध्यम से भी इन्हीं सारे सवालों को तो देखने की कोशिश मैंने की है कि किस तरह से इसे समझा जाए आलोचना पत्रिका के संपादन के माध्यम से उनके व्याख्यानों के माध्यम से उनके जो उनका लेखन है उनके उसके माध्यम से अगर आप ध्यान दें अगर मैं सबसे पहला सवाल तो मैं सबसे अपनी एक छोटी सी बात में कहना चाहता हूँ जो बार बार ही कहा जाता है बार बार कही गई कि नामवर जी वाचिक परंपरा के आलोचक हैं वाचिक परंपरा के आलोचक हैं और वाचिक परंपरा मतलब एक द्वंद्व क्रिएट किया जाता है कि वाचिक परंपरा है लेखकीय परंपरा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई आलोचक है तो उसे वाचिक परंपरा और लेखकीय परंपरा में ना बांटे किसी ने 100 किताब लिखी मुझे 100 किताब लिखी और मुझे एक अवधारणा ना मिले तो फिर कोई फायदा नहीं है। और किसी ने एक किताब लिखी अगर चंद्र शर्मा गुलेरी ने एक कहानी लिखी और अमर हो गए तो ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर नामवर जी ने अगर कोई एक काम किया तो हमें अवधारणाओं पर बात करनी चाहिए ना कि हमें एक वाचिक परंपरा को लेकर इतना युद्ध क्रिएट करना चाहिए कि नहीं वाचिक परंपरा भी महान परंपरा है। वाचिक परंपरा क्या है एक व्यक्ति जो है जो आलोचक है लेखक भी है अध्यापक भी है वो संपादक भी कई तरह के काम कर रहा है तो कई तरह के काम करेगा वो कई तरह की उसकी व्यस्तताएँ हो सकती तो हमें देखना चाहिए कि वो उसने इन सारी चीज़ों के रहते हुए किस तरह से काम किया है। मैं आशीष त्रिपाठी जी ने किताब निकाला संपादन किया बहुत सारे और पूरे उनकी भूमिका आप देखिए सर वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि कोई सामने उनके सामने दुश्मन मौजूद है वाचिक परंपरा के समर्थन जब तक नहीं कर लेंगे तब तक हमको बड़ा लाभ दिखाऊंगे बड़ा नहीं साबित कर पाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि नामवर जी को बड़ा बनाने के लिए किसी वाचिक परंपरा की किसी लेखकीय परंपरा की जरूरत है। मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो अभी मालूम हो मैं भी मैंने कोशिश की देखने की किस तरह का उन्होंने काम किया इस समय मैं ये नहीं कहूँ कि वाचिक परंपरा कोई बहुत बड़ी परंपरा है। नामवर जी ने जितने भी काम किए उतना ज़्यादा है उतना ही सटीक है उतना ज़्यादा है वो कि आप नामवर जी को उतना कर लेंगे तो उनका जो है आप स्थापित कर लेंगे कि महान आलोचक है बड़े आलोचक। सबसे पहली बात मैं इस तरह से मैं पहली बात आलोचना पत्रिका के थोड़े से इतिहास में जाना चाहूँ सुधारती सभी लोग मैं भी सुधारती ही हूँ मैं अध्यापक नहीं हूँ जब मैं सुधारती हूँ तो सुधारती होने के नाते मैंने देखा कि आलोचना पत्रिका का इतिहास क्या है। 1951 से प्रकाशित हो रही पत्रिका 1990 तक उन्होंने संपादन किया प्रधान संपादक के रूप में जुड़े हुए उनका जो मेन काम है 1967 से लेकर 1990 तक का है 1951 से लेकर 1967 के बीच में 1951 से लेकर 16 साल के बीच में सरदार सिंह चौहान उसके संस्थापक संपादक बन के राजमल प्रकाशन में आते हैं 1953 तक संपादित करते हैं। फिर उसके बाद परिमल ग्रुप आपके धर्मवीर भारती विजय देवनारायण साही हैं रघुवंश हैं ब्रजेश्वर वर्मा हैं ये लोग आते हैं और आलोचना पत्रिका के संपादक में और थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है। जो आदमी हिंदी मार्क्सवादी आलोचना का जिसको जो है पहला आवश्यक माना जाता है सिद्धार्थ सिंह चौहान को
और कहा जाता है कि भारत प्रगतिशील साहित्य, भारत प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक साहित्य पहला लेख लिखा हो वो उस वो मार्क्सवादी भी है और मार्क्सवाद के लिए जेल भी जा चुका है, सारे काम भी कर चुके हैं, कितने प्रताड़ना भी झेले उन्होंने मार्क्सवाद के लिए, उस आदमी के हाथ से आलोचना पत्रिका निकाल के सीधे किसके हाथ में जा रही है, सीधे जो है दलवीर भारती के हाथ में जा रही, संपादन दलवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर वर्मा इनके हाथ में जा रही है। इसके बाद फिर जो थोड़ा परिवर्तन आता है उनके संपादकीय विवेक राजकुमार प्रकाशक, थोड़ा प्रकाशकों की भी थोड़ा सा इसमें थोड़ा हमें देखना होगा कि प्रकाशक कैसे काम करते हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, मैं बाद में आपने आलोचना कांड की बात करूँगा थोड़ी इसके बाद फिर, क्योंकि नामवर जी का जुड़ा हुआ उसके जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष। अब जो है इसमें क्या करते हैं वो कि उसको सीधे आलोचना चाहते हैं नंदलाल वाजपेयी के पास, नंदलाल वाजपेयी के बारे में सबको पता है हम लोग अध्यापक होने के नाते या अध्यापक की आलोचना में उनको समस्तवादी आलोचक कहा जाए, सौंदर्य शास्त्री सौंदर्य को लेकर इस तरह से, तो उस तरह की उसे ऐसे आदमी के हाथ में जाती है। फिर उसके बाद 3 साल बंद रह रही है, फिर 1963 में आ रही आलोचना फिर शिवदास सिंह चौहान के हाथ, तो कितना जो है कितनी संपादकीय फेरबदल हो रही है, कहाँ वो राजकुमार प्रकाशन में हो रही है, 1967 तक संपादन में हुआ, उसके बाद सीधे नामवर जी दिल्ली का बात है, नामवर जी 1960 से लेकर 1965 तक बेरोजगार रहे बिल्कुल, जो आदमी 10 साल मैं टीचर होने के नाम ही मैं बता रहा हूँ, जो आदमी 10 साल टीचर पढ़ा चुका हो और स्थायी रूप से ही उसे निकाल दीजिए और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति को तो क्या करेगा, हम उसको खुद महसूस कर सकते उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि हम लोग भी बेरोजगारी देखिए इस वजह से मैं बता रहा हूँ, 5 साल आदमी बेरोजगार रहे, कभी काशी कैसी की डांट पे कभी कहीं पे कभी कहीं पे, 5 साल बेरोजगार, 5 साल बाद नौकरी कहाँ मिल रही है, जनयुग में नौकरी क्या मतलब, उसे बुलाए ऐसे ही बुलाए गए कि आप आइए संपादन करिए मार्क्सवादी सीपीआई का जो है सीपीआई की पत्रिका पत्र है समाचार साप्ताहिक, 1965 से लेकर 1967 तक संपादन करते, इसी बीच में जो है उनको राजकुमार प्रकाशन से जुड़ने का मौका मिलता है 1967 और 1965 के बीच में। अब 1967 में क्या करते हैं वो, 1967 में आके उसमें इसी टाइम जो है शिवदास सिंह चौहान इस 1963 में आए, 1966 में दिसंबर 1966 तक उनको जो है संपादन करने का मौका मिलता है और इसी बीच जो नामवर जी के हाथ में आलोचना पत्रिका आती है और इस चीज़ को शिवदास सिंह चौहान जी ने उसको आलोचना कांड कहा है और बहुत ही मार्मिक बहुत तकलीफ से कहा है कि जो है आहत हुए और उन्होंने हिंदी की आलोचना की मुख्य धारा से कट जाना बेहतर समझा और शिवदास सिंह चौहान ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया आलोचना पत्रिका का जब संपादन किया था और ये हमें और ध्यान देना चाहिए कि जब नामवर जी संपादक थे तो उसके साथ संपादन का काम भी किया उन्होंने राजसमंद में उनके साथ में जो दूसरे चरण में आए। अब 1967 से लेकर 1990 के बीच सॉरी 1951 से लेकर 1967 के बीच में कितने आलोचक आते हैं, कितने तरह के संपादकीय विभेद का बदलाव होता है, आप ये देखिए 1967 से लेकर अब आप खुद अंदाजा लगाएंगे 1967 से लेकर 1990 के बीच में लगभग 23 वर्षों तक एक संपादक उस पर टिका रहता है, तमाम जो है अपने तमाम उठा पठक के तमाम वैचारिक आग्रहों के तमाम संघर्षों के एक आलोचक 23 वर्षों तक आलोचना का संपादन कर सकता है, 23 वर्ष तक किसी पत्रिका का संपादन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और 23 वर्षों तक इस बीच में मैं साफ कहना चाहता हूँ कि आलोचना पत्रिका की जो विचारधारा रही है वो पूरी तरह से मार्क्सवादी रही है और कौन सा मार्क्सवाद है इस पर थोड़ी देर बाद बात करूँगी, कब का मार्क्सवाद, इस तरह का मार्क्सवाद, ठीक। अब जरा सा जो है अभी आलोचना कांड को शिवदास सिंह चौहान ने बहुत बाद में बनाया उसको, उन्होंने कहा कि अग्रवाल जी ने किताब लिखी शिवदास सिंह चौहान को जो उन्होंने मोनोग्राफ लिखा है साहित्य अकादमी से उसमें उन्होंने बहुत ही बहुत ही मार्मिक होती उनकी पूरी एक तरह से समर्थन में एक तरह से किताब लिखी है और आलोचना कांड को लेकर रहस्यमय ढंग से वाली जो बात होती है बहुत ही रहस्यमय ढंग से निकाल दिया गया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब शिवदास सिंह चौहान जब आलोचना कांड की जब बात कर रहे थे 1967 में विप्रो नामक पत्रिका का नवाज देख और दो आया 67 में ही आया और उसमें जो है कहीं भी कोई प्रभात नामक कोई समीक्षक थे उन्होंने आलोचना पत्रिका के प्रारंभिक अंकों का उन्होंने समीक्षा की और उन्होंने कहीं भी सवाल नहीं उठाया गया कि किसी को एतराज़ है क्योंकि हमेशा होता रहता था संपादकीय विवेक में फेरबदल हमेशा होता था तो किसी ने सवाल नहीं उठाया और यहाँ तक कि खुद ही जब नमान उसमें लेनिन का अंक आता है 13वां अंक लेनिन का तो शिवदास सिंह चौहान का लेख भी है उसमें 3 साल बाद भी लेख आफ्टर 3 ईयर्स
तीन साल के बाद भी जब आलोचना पुत्री का जम चुकी, जब आलोचना जम गई और तीन साल पाँच साल दस साल के बाद इस तक दस साल तक नागवर सिंह ने अपनी आलोचना पत्रिका को स्थापित किया, सब लोगों को पता चला क्या है हमारे साथ क्या हो। ठीक है, अब जरा साहब मैं इस पर मैं बात करना चाहूँगा, आखिर में ऐसा क्या काम कर दिया नागवर जी ने जो सचमुच में जो शिवराज सिंह चौहान और बाकी लोग नहीं कर पाए। सन 67 से पहले अगर आप पूरे सन 67 के आसपास अगर सन 60 के बाद पूरा दौर देखिए, पूरा उस समय की पूरा नेहरू युग का अंत हो रहा था, एक तरह से पूरा युवा आक्रोश का समय था, मोहन की स्थिति थी, राजनीति में चुनाव पूरा चौथा आम चुनाव हुआ था, पूरा ऐसी ही कंडीशन थी, शीत युद्ध का भी समय था, विश्व में भी चल रहा था ऐसा, भारत में भी कंडीशन ऐसे थे, नई नई कुछ बस योजनाएं भी आ रही थी, लेकिन युवाओं का जो युवा में विद्रोह होता उससे धूमिल थे, राजकुमार चौधरी थे, सभी लोग युवा आक्रोश था, लेकिन इन सारे आक्रोश पे किसी ने जो है कोई सही से कोई अच्छी किताब नहीं आ रही थी, समीक्षाएं नहीं हो रही थी, रघुवीर सहाय भी थे वहीं उसी वक्त, सभी लोग मधुरेश जी ने किताब लिखी है, उसमें हमारे सत्पूर्ण संपादक जी सक्सेना सत्पूर्ण ने उसमें समर्पित भी किया है उस किताब को, और किताब में उन्होंने कहा कि जो है जो 67 में नागवर जी ने जो आलोचना उनके हाथ से ले ली गई थी वो एक तरह से त्रिशंकुओं का संयुक्त साझा के रूप में दिखाई पड़ता है 67 का, और सुधांश सिंह चौहान का जो पहला चरण तीन साल उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति खुद ही मधुरेश जी अगले ही चरण में कहते हैं कि जो है जो तेजस्विता पहले चरण वाले नागवर सुधांश सिंह चौहान की आलोचना में थी 1951 से लेकर 53 तक वाले में, वहाँ तक तो बहुत तेजस्वी थे, बहुत सारा नया मार्क्सवादी आलोचना का एक तरह से पूरे विश्व आलोचना की पत्रिका थी, उससे पहले कोई आलोचना की पत्रिका ही नहीं, कोई पत्रिका हमें मुझे अगर मेरी सीमाएं हो सकती है अगर आप नाम बता सकते हैं तो ये सुधांश सिंह चौहान का महत्वपूर्ण योगदान कि पहली बार विश्व आलोचना की कोई पत्रिका आती है। ठीक है, रचनात्मक लेखन की बहुत सारी पत्रिकाएं कविता कहानी लेकिन आलोचना पर नहीं दिखाई। अब सुधांश सिंह चौहान को तारीफ करते हुए भी मधुरेश जी ने क्या किया, मधुरेश जी ने उस पर उन्होंने खुद अपनी कमी खुद बताती कि भाई खुद में उसमें तेजस्विता ही नहीं, एक तरफ आपने उन तमाम सारी बातों को रिवाइज कर रहे थे, पुरानी मानसिकता को तमाम सारे नए लेखकों को ध्यान नहीं जा रहा था, नई तरह की कंडीशन थी, तमाम परिस्थितियाँ थी, ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं पूरी की पूरी आलोचना एक तरह से उस पर नए संपादकीय की विवेक की जरूरत थी, और जो काम नागवर जी ने अपने संपादन में आती सबसे पहला काम एक साल में क्या उन्होंने पहला काम क्या किया, चुनाव राजनीति और कविता पे एक संवाद आयोजित कराया, और भी हैरत होगी जब आपको जब ये जान लिया कि चुनाव कविता और राजनीति पर जो उन्होंने परिसंवाद आयोजित किया 1967 में, इस संवाद एक साल के अंदर उन्होंने उसमें अज्ञे के मुक्तिबोध के 91वीं जन्मतिथि पर और किसकी अध्यक्षता में अज्ञे की अध्यक्षता में अज्ञे थे कविता और राजनीति की बहस में अज्ञे ने अध्यक्षता की थी, और रामविलास शर्मा उसमें अच्छा राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी भी थे, कई विद्वान थे मैं उसमें एग्जैक्टली पूरा सारे मुझे नाम अभी एग्जैक्टली मैं नोट करके नहीं लाया हूँ मतलब, लेकिन मुझे है अज्ञे की अध्यक्षता में हो रही है, और पहला जो अंक है उनका चुनाव चौथे आम चुनाव के बाद भारत उस पहला लेख है रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा का पहला फासिस्ट तानाशाही का खतरा वामपक्ष का दायित्व होता है पहला लेख है, और सोचिए खुद सोचिए जरा सा रामविलास शर्मा उसमें जुड़े हुए हैं, अच्छा हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उसमें दूसरे उसमें तीसरे तरह के विद्वान लोग, और उस तरह से उन्होंने पहला जो है क्या कहते हैं अंत निकाल पहले जो कविता राजनीति जो बहस चलाई इस तरह का उन्होंने पहला काम 67 में, दूसरा काम उसे अगले ही अंश जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 60वीं वर्षगांठ को उन्होंने अंत निकाला था आलोचना की भाषा, ये अंत निकाला उन्होंने, और आलोचना की भाषा नहीं सिर्फ भाषा नहीं होती, आलोचना का स्वरूप ही होता है सर, आलोचना का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया कि जो हम अब तक जो है शीशे की तरफ शीशे के पार देख रहे थे, और हम अब शीशा ही देखना शुरू कि शीशे में कैसा जैसा शीशा रहेगा वैसा दिखेगा, तो आलोचना की भाषा हमें ऐसी इसका संवाद आयोजित करना है। अगला युवा लेखन पर बहस, उस समय की युवा पीढ़ी क्या सोच रही, धर्मवीर बात धर्मयुग में अयाश ग्रंथों का विद्रोह लिखा जा रहा है, अयाश ग्रंथों का युवा पीढ़ी पर कोई बात ही नहीं हो रही, बात हो रही तो इस तरह से नंद चतुर्वेदी ने भी आरोप लगाया कि क्या जरूरत हमको अपनी नई पीढ़ी के पास आने की क्या जरूरत, जबकि अज्ञे जी ने कहा था कि हमें चाहिए कि नई पीढ़ी से जुड़ना चाहिए,
नसर त्रिवेदी जी ने कहा था कि नहीं हमें जो नई पीढ़ी को पूरे तलब है कि हमसे आगे भी है। ऐसे समय पे युवा लेखन के बुजुर्ग धूमिल भी थे, धूमिल वक्त धूमिल को केंद्र में रख के इस तरह से ये अंग निकाला उन्होंने। फिर चौथा इसमें आलोचना की रोमांटिक बना माधुरी की जो कविता की नए प्रतिमा कभी मैं कह रहा था ना आपको कहता थोड़ा थोड़ा अगर हम चले गए स्टेप बाई स्टेप तो नामवर जी की जो पूरी जो बचाने की जो उसमें कभी करते हैं कि तो नई कविता उसमें भाषावादी आलोचना का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वो अभी इस वजह से दिखाई पड़ता है कि नामवर जी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो साहित्य का इतना मतलब गुणी पाठक हो जो पूरा एकदम भीतर बैठ के पढ़ता हो, जो बाहरी बाहरी विचारों को भी देखना चाहता हो, बाहर से भी समझना चाहता हो, अपनी परंपरा को भी समझना चाहता हो, बताना भी चाहता हो, ऐसे सारे कंडीशन में वो इतनी सारी चीज़ों को लेके चलने के कारण ये सब हो रहा था। वो पूरा द्वंद्व में है कि क्या किधर से जाए, कहाँ से रास्ता। ये द्वंद्व आपको पूरे के पूरे आपको ये द्वंद्व आपको खत्म होता है दूसरी परंपरा की खोज में आए किधर जाना चाहिए। ये परंतु दूसरी परंपरा की खोज बनाम नाम नागार्जुन बनाम त्रिलोचन तब जाके यहाँ पर पहुँचती है वो दूसरी परंपरा की। तो अभी इसको और थोड़ी देर में कोई बात करूँगा कैसे जो है अब ये बुद्ध इसी कविता के नए प्रतिमान में क्या किया उन्होंने। कविता के नए प्रतिमान के तरह से जो है युवाओं लेखन की भी बात हो रही है, डॉक्टर नरेंद्र से बहस हो रही है, इसमें धूमिल को भी धूमिल की जी कविताएँ हैं, उसमें मुक्तिबोध को स्थापित किया जा रहा है। यानी एक साथ एक वर्ष में एक ही वर्ष में चार अंक निकाल के नामवर जी ने बताया कि हिंदी आलोचना में करना क्या चाहते हैं। और इस तरह से पहला काम क्या मुक्तिबोध को हिंदी आलोचना के कैनन में स्थापित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को पल से पल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता था, आचार्य राम शुक्र को जाना जाता था। अभी रामविलास शर्मा जी अभी हिंदी आलोचना में मार्क्सवादी आलोचना में इतनी आप जो है देखिए कितनी कितनी कश्मकश है उस समय खुद मार्क्सवादी आलोचक एक दूसरे के बीच में एकदम गर्दन काटे हुए मतलब समझ में नहीं आ रहा एक ही वैचारिक में किस तरह वैचारिक मतभेद को लेकर वो खासतौर से परंपरा के मूल्यांकन की बहस को लेकर। इस तरह से अगर हम अफवाह और ध्यान दें जरा सा तो पूरी तरह से अगर हम पाते हैं किस तरह से ये तीनों चारों काम एक साथ हो रहे इसमें मुक्तिबोध को स्थापित करके भूमि को स्थापित करके उसमें रोमांटिक एक रोमांटिक बना माधुनिक को लेकर जो छायावाद उन्होंने अच्छी किताब लिखी जो बता रहे थे अभी सर ने मदन सर ने जो बहुत अच्छा बहुत मैं पहली बार मैंने वीडियो देखा है सर बहुत अच्छा वीडियो मुझे उसमें बता रहे कैसे जो छायावाद को बेसिकली छायावाद विरोध बनाओ आधुनिकतावाद कर दिया गया जबकि नामवर जी का अगर आप उस रोमांटिक बना माधुनिक को पूरी देखते हैं या पूरे उस और इसके जो आधार पत्र जो तैयार किया था रामविलास शर्मा ने तैयार किया या रामविलास ने तैयार किया उसमें उन्होंने कहा कि छायावाद विरोध बनाम आधुनिकता। नामवर जी ने कहा है कि छायावाद छायावादी संस्कार बना आधुनिकता हमें छायावादी संस्कार का विरोध करना चाहिए। नई कविता का वही लोग विरोध कर रहे थे जो नई कविता में जो छायावादी संस्कार के लोग तो हमें एक नई वैचारिकी की नई आलोचनात्मक समझ की बात करनी थी जो हमें उस वक्त बहुत जरूरी लग रहा था हिंदी आलोचना के परिदृश्य में जो उन्होंने ये काम किया। अब जो है जरा और जरा सा एक तो ये इस तरह के मेरे चार पांच महत्वपूर्ण काम की सबसे महत्वपूर्ण काम जो सुबह पांडे सर बता रहे थे कि उन्होंने हिंदी जो सेंटर स्थापित किया JNU का और इसमें साहित्य समाजशास्त्र का जो की जो नींव रखी और साहित्य समाजशास्त्र में भी नामवर पांडे जी ने स्वयं एक किताब लिखी साहित्य समाजशास्त्र की भूमिका 1989 में छपी है और ये किताब जो है खुद नामवर जी ने पांडे जी ने जब इसको इसकी जो भूमिका जो समझ भूमिका में चार लाइन लिखा है कि किताब में नामवर जी को समर्पित करना चाहता हूँ जिनके कारण हिंदी में साहित्य का समाजशास्त्र संभव होता है। तो कितना महत्वपूर्ण काम है साहित्य समाजशास्त्र को लाने का। उससे पहले हम साहित्य समाजशास्त्र साहित्य तो साहित्य समाजशास्त्र भी होगा साहित्य समाजशास्त्र में इन सब में क्या अंतर है कैसे समझा जाए कैसे क्या किया जाए इन सारी चीज़ों को हमें देखने की जरूरत। इस तरह एक ही चार सालों में 1970 तक के दशक तक जो है 70 तक में 3 सालों में नामवर जी ने ये काम आलोचना के माध्यम से किया। आलोचना पत्रिका में सिर्फ सिलेबस नहीं बनाया था सर मैं ये कहना चाहूँ जो सर ने बताया कि सिलेबस बनाया पाठ्यक्रम किया अकेडमिक ये नहीं किया उन्होंने सिलेबस ही नहीं बनाया सामग्री भी दी उन्होंने खुद ही आलोचना के रेमंड विलियम को छापा मैल्कम गडकरी को छापा मतलब तो जितने भी उस समय के जो है साहित्य समाजशास्त्री हो सकते उन सबको हिंदी में अनुवाद कराया अनुवाद कर करके इनको जो है भाई हमारे बच्चे कहाँ से पढ़े हिंदी के शुद्धार्थी छात्र कहाँ से पढ़े उनके लिए उन्होंने सामग्री भी दी। नामवर जी ने ये काम आलोचना पत्रिका के माध्यम से किया। दूसरी बात
एक चीज तो और मैं पनिश दूसरी चीज में मार्क्स की मार्क्सवादी आलोचना में बात करना चाहूंगा कि नामवर जी की मार्क्सवादी जो आलोचना है वो किस टाइप की है। नामवर जी ने खुद अपने विवेक की पक्षधरता में जो कहना ना होगा उसमें समी उसमें साक्षात्कार में लिखा है कि मेरी मार्क्सवादी मेरी जो आलोचना है उस पर जो है रेमंड विलियम का, जॉर्ज लुकाच का, ग्रामशी का, इन सबका प्रभाव पड़ा हुआ है, वाल्टर बेंजामिन वगैरह, और इनको जो है पश्चिमी जगत में पश्चिम में इनको संशय संशय की नजर से देखा जाता है, ये मार्क्सवादी ही नहीं है लोग, जॉर्ज लुकाच को, रेमंड विलियम को, इसमें इस तरह से हर्बर्ट मार्कूस को, इन सभी लोगों को जो नए जिस तरह के नाम है इस तरह के उन्होंने जो कहा तो उनको मार्क्सवादी आलोचना की जो नई परंपरा आ रही। अब नामवर जी क्या करते हैं और इस तरह की इस परंपरा को वो कैसे लड़ रहे थे और उसी तरह आरोप लगाया जा रहा है कि ये आज कोई मार्क्सवादी नहीं है, एक कविता की प्रतिमान मार्क्सवादी लगी नहीं रहे, ये उनकी जो इस तरह से हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे प्रतिमान के समय में अगर जो आदमी खुद ही एक नई जो जिसको पश्चिम में ही संशय की दृष्टि से देखा जा रहा हो, जहाँ से मार्क्सवादी हमारे पास आ रहा है वहाँ पे खुद उनके ऐसे विद्वानों को संशय की दृष्टि से देखा जा रहा है, तो ऐसे लोगों को हमारे जो 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 उसको फॉलो करेगा उसको जाहिर सी बात उनको खुद संशय की दृष्टि से देखा जाने लगेगा। तो नामवर जी के साथ क्या हुआ, अब ऐसे ऐसे रेमंड विलियम को, जॉर्ज लुकाच को, ग्रामशी के साथ और भी लोगों के साथ, और उसके साथ जो अब स्टालिन भी नहीं है मार्क्सवादी, मार्क्सवाद की जो जो चौथी चौथे दशक की जो व्याख्या थी वो छठे दशक में ठीक नहीं साबित हो रही, चौथे दशक की व्याख्या अब छठे दशक में कैसे आ सकते, हमें एक नए मार्क्सवाद की जरूरत भी थी जो उस समय की मार्क्सवादी आलोचना को बचाए रखने की वो ज़्यादा बेसिक जरूरत थी, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास बचता क्या था, रामविलास शर्मा बनाम सुधांश सिंह चौहान, प्रभाकर सॉरी प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगे राघव, यही आलोचक थे हमारे पास, यही आलोचना दृष्टि थी और कुछ समाजशास्त्र था, कुछ और लोगों का इनका प्रगतिशील साहित्य का मानदंड ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, सारी किताबों को आप पढ़ लीजिए, आप खुद ही आलोचना में खुद ही पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने जो लेख लिखा उस समय की भाषाओं को आप देखिए, आलोचना का खुद 1986 प्रगतिशील लेखक संघ के 50वें वर्षगांठ का आलोचना का एक महत्वपूर्ण उसमें विशेषांक निकाला है नामवर जी ने, ये सोच के निकाला कि भाई आप खुद खुद जो है आप मुआजना कीजिए, तुलना कीजिए उस जमाने से इस जमाने की। तो नामवर जी की जो आलोचना जो मार्क्सवादी आलोचना की जो वैचारिकी है वो मार्क्सवादी आलोचना की दूसरे मोतीलाल रैना ने जो एक लेख लिखा तिरासीवें अंक में आप जरूर देखिए और आपको कम समझ में आएगा कि मार्क्सवादी आलोचना समसामयिक परिदृश्य के नाम से है, आप उसे देखिए, उसमें जो है आप खुद उन्होंने बताया कि जैसे हिंदी आलोचना हिंदी मार्क्सवाद की पश्चिम में भी दूसरी परंपरा है, एक ही परंपरा नहीं है, मार्क्सवाद को समझने के भी कई रूप हैं, आप उसको भी हमें देखना चाहिए। तो नामवर जी मार्क्सवादी आलोचना की परंपरा के दूसरे परंपरा के आलोचक थे, जो पुरानी परंपरा की आलोचना से वो फिट नहीं बैठता था तो उसे आलोचना भी खूब है। तीसरे काम मैं तो बताना चाहूँगा, इसमें बहुत छोटी सी और इसमें अपनी बात खत्म करूँगा 5 मिनट और 10 मिनट होगा, तो दूसरा दो काम और किए होंगे, सबसे महत्वपूर्ण काम है हिंदी नौजवानों की संकल्पना पर जो बहस चली, ये बहस जो है किस तरह से आती है हिंदी नौजवान बाबू प्रसाद त्रिवेदी और हिंदी नौजागरण, अगर आप मुझे बहुत अच्छा लग आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है खुद ही, तो 1970 में ये लेख आया, 77 में किताब आई, रामविलास जी की किताब आई हुई है और 77 में, और इसी लेख और ये किताब आने से पहले आलोचना पत्रिका में छप चुकी है, यही पहला लेख ही छपा हुआ हिंदी नौजागरण और बाबू प्रसाद त्रिवेदी और हिंदी नौजागरण के नाम से, ये हिंदी संकल्पना के लिए नामवर जी ने सबसे पहले एक तरह से उसको छापा, आलोचना में छापा, राजकुमार सिंह किताब बाद में आई है, आलोचना पत्रिका में पहले प्रकाशित हुई, वो लेख पहले प्रकाशित हुआ, तो ये महत्वपूर्ण है हिंदी आलोचना के बहसों में हिंदी नवजागरण की संकल्पना को हिंदी में लाने का काम एक तरह से पत्रिका के संपादक के नाते नामवर जी को इसका श्रेय जाता है। ठीक है, अब ये अब 1977वां अंक है, अब उस अंक में सॉरी 40वें अंक में नामवर जी का कोई संपादकीय नहीं है, वो ध्यान देने की जरूरत है, नामवर जी कई बार ऐसा होता है कि संपादकीय भी नहीं लिखते, संपादकीय नहीं है उसमें, वो नवजागरण की संकल्पना ही अवसुप है, आई नहीं है इनके पास, और संकल्पना कब आती है 1985-86 वो ध्यान बहुत बाद में आती है जब भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो स्वामी पुण्यतिथि होती है और मजबूरी गुप्त की जो जन शताब्दी मनाई जाती है।
ऐसे 100 साल के बाद जब उल्लेख लिखा जा रहा है, तब तब नौजवानों की संकल्पना इनके जहन में आती है कि हमें क्या करना चाहिए। अब तो अगर फिर सटे अगर हम देखें उसमें संपादकीय लिखा नागौर चिंतन शर्मा गुजरी उनकी नौजवान, और उन्होंने अपना नौजवानों अभी तक कोई डिबेट नहीं नौजवानों को लेकर पूरे हिंदी जगत में, बस तारीफ है कि भाई बहुत अच्छी संकल्पना है, बहुत महत्व संकल्पना है, और तारीफ के साथ साथ नागौर जी कैसे नाम बिलास जी का इस संकल्पना के समर्थन में 1970 तक 83 में अंत में अगर आप देखें 63 में अंत में तो आप पाएंगे कि वो समर्थन में लिख रहे हैं कि हिंदी नौजवानों की अगर जो जो चंद्र शर्मा गुलेरी भी एक स्वर है, बहुत सारे जो स्वर निकले हैं नौजवानों के उसमें चंद्र शर्मा गुलेरी का नाम लिया हुआ, और ये उस पर लोक और शास्त्र के द्वंद को दिखाया उन्होंने, कैसे उनके यहाँ लोक किए, कैसे उनके यहाँ शास्त्र किए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1984 में आ गई लोक जागरण और आचार्य शुक्ल लोक जागरण वाली किताब आई। इसी बीच जो है थोड़ी सी और आगे हम जरा सा जाए पूरी बहस की बात बनती है जब दूसरी परंपरा की खोज नंबर किताब आती है नागौर जी, और इसी नागौर जी की किताब सब आलोचना में जो प्रगतिशील लेखक संघ के ऊपर जब उन्होंने भारत में इसमें प्रगतिशील लेखक संघ की ऐतिहासिक महत्ता पर जब उन्होंने नागौर जी ने जो लेख लिखा है, तो तब तक जो है उस लेख के बाद से जो हमको जो है पूरे तरह से जो दोनों लोगों के बीच में पूरी जो बहस है, जो आलोचनात्मक बहस है, जो साहित्यिक विवाद है, वो सामने निकल के आता है कि जो है किस तरह से प्रगतिशील लेखक संघ में उनकी प्रासंगिकता क्या है, उनकी ऐतिहासिकता क्या है, रामविलास शर्मा जी की क्या महत्ता है, इस तरह से उनको पूरा बहस हमारे सामने निकल के आता है। और थोड़े से और आगे हम जरा सा बढ़ेंगे तब जाके हम ये देखते हैं कि हिंदी नौजवानों की जो संकल्पना जो 1979 में आने थे 1985-86 में जो अंक आता है, अभी तक 2-3 सालों में जो जिस नागौर जी ने केवल जंती मशाल लिखा है 4-5 सालों से पहले, 4 साल के अंदर ही में वही नागौर जी ने खुद किस तरह से उनकी हिंदी नौजागरण की समस्याएं नामक उन्होंने संपादकीय हिंदी नौजागरण की समस्याएं, और उसमें कैसे क्या क्या कमियाँ थी उनके वैचारिकी में, क्या जो आरोप लगा रहे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह से अपनी बात रखते हैं। फिर अगले ही अंक में आप थोड़ा सा कोई पूरा जो केंद्र में है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र और फिर उसके बाद प्रतिष्ठान को दोनों लोग केंद्र में आते हैं, और इन दोनों लोगों के केंद्र में आने पूरे की मैं इसमें से बताना चाहता हूँ कि अब तक हम लोगों ने किताबों के माध्यम से सारी जानकारी दी, तो बताना चाह रहा हूँ कि जो सब जो साहित्यिक वर्षें होती हैं वो सबसे पहले समसामयिक वर्षें होती हैं, तो हमारे समसामयिक साहित्यिक पत्रकारिता होती है वो हमारे साहित्य में कैसे समकालीन रचनाशीलता से जुड़ के समकालीन वाद विवादों से जुड़ के वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और उसे किस तरह से किसी पत्रिका को सामने लेके आना चाहिए ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इस तरह से नौजागरण की संकल्पना को लेते चलते हुए नागौर जी सीधे आते भारतीय नौजागरण की संकल्पना पर जहाँ 93 अंक के आते हुए खत्म है, वहीं पर आलोचना बंद भी हो जाती है 1993 में आके 1990 में 93 अंक के आगे खत्म है, यानी इस तरह से कैसे नागौर जी किस तरह से, और इस किसान जी की समीक्षा भी सामना में छपा परवार जी ने छापा भी है अपने खुद उसके इस अंक की समीक्षा ली थी कैसे भारतीय नौजागरण कैसे हिंदी नौजागरण इस रूप में आती है, और नागौर जी ने अपने एक उसमें कहा क्यों मैंने नौजागरण क्यों मैंने आक्षेप लगाया वो सबको पता है, उन्होंने कहा किस तरह से जो हिंदी नौजागरण है कैसे हिंदू नौजागरण के रूप में देख रहे थे नागौर जी देख रहे थे, और उससे उन्होंने आरोप लगाया और इस तरह की तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि रामविलास जी की कल उस वक्त कई किताबें हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में खुद आ गई थी किताब उनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र उनकी अनुभव की समस्याएं 85 में आई किताब, और 84 उनकी तीसरे अच्छा हजार प्रसाद द्विवेदी को उन्होंने जिस तरह से आक्षेप लगाया कि बिल्कुल जो है एक तरह से इनकी तमाम जो आलोचना की जो पद्धतियाँ कमजोर हैं और बिल्कुल उन्होंने कोई नया काम नहीं कोई नहीं बचा रखी है नई सैद्धांतिकी नहीं है, इस तरह से हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ है इसी बहस में एक बात और है जो दूसरी परंपरा को लेकर परंपरा के मूल्यांकन को कैसे होना चाहिए। नागौर जी ने अगर हम देखें तो परंपरा के मूल्यांकन जो दूसरी परंपरा की जो खोज है नागौर जी ने आलोचना पत्रिका के माध्यम से दो काम बहुत जरूर बहुत महत्वपूर्ण काम किया, वो है एक तो परंपरा का अन्वेषण कैसे किया जाए, क्या अतीत में अतीतता में जाके डूब जाए हम या अतीत से पाठक भी होना चाहिए, प्रासंगिकता को कितना प्रमाद होना चाहिए हमारे पास,
तो किस तरह से जो प्रामाणिकता जो हमारी परंपरा का जो अन्वेषण है, परंपरा की खोज होती है, उसका मूल्यांकन कैसे करें, तो नामवर जी ने बताया कि हमें परंपरा की जो विगत अर्थवत्ता है उसके साथ साथ वर्तमान सार्थकता भी होनी चाहिए। तो किस तरह के उन्होंने लाइन दी और फिर उन्होंने कहा कि हमें पार्थक्य बना के रखना चाहिए हिंदी या उसको परंपरा के मूल्यांकन को लेकर। और ये दूसरी परंपरा की जो खोज है, ये मुझे लगता है कि नामवर जी की सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि पहली परंपरा को लेकर अगर आप देखिए, अगर द्विवेदी जी की अगर किताब की जिस तरह से आलोचना की, दूसरी परंपरा जिसकी बोल 1982 में आती है, फिर उसी परंपरा का मूल्यांकन 1981 में किताब आता है, और 1984 में उन्होंने कविता की दूसरी परंपरा लेख लिखते हैं वो 83वें अंत में, उसमें इन सारे शब्दों को अगर हम देखें तो हमें पाएंगे किस तरह से दूसरी परंपरा का परंपरा की खोज पहुँचते पहुँचते वो आचार आधारित तक दूसरे रखते हैं। और ये दूसरी परंपरा की खोज एक ऐसी खोज है, एक ऐसी चीज है जहाँ जो सबाल्टर्न जो हाशिए के लोग हैं, नामवर जी बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी परंपराएं हैं और परंपराओं में अगर आप देखें तो वो ये ज़्यादा प्रगतिशील उनको लगता है, और इससे ज़्यादा लोग जो बाहर के जो हाशिएग्रस्त समाज है वो बाहर पहले ज़्यादा जुड़ेगा इस परंपरा के, ये दूसरी परंपरा की लाइन ज़्यादा जुड़ सकता है। ये महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया। समकालीन रचनाशीलता को अगर हम रख के देखें नामवर जी के काम को, तो नागार्जुन के विशेषांक निकाले, नागार्जुन के साथ 20 समकालीन कवियों की कविता संग्रह को संपादित किया उन्होंने, 20 समकालीन कविता, समकालीन कवि और नागार्जुन के विशेषांक एक साथ छापना, बताना है कि नागार्जुन किस तरह से समकालीन कवियों के लिए जो देशज आधुनिकता लेके आ रहे हैं वो कैसे उनके लिए प्रतिनिधित्व वाली भूमिका निभा सकते हैं। और फिर अगला ही अंक निकालते हैं वो आगे 1983 अंक में निकालते हैं त्रिलोचन, एक नया कामशा त्रिलोचन की। तो इस तरह से जो त्रिलोचन की जो जो लाइन है, नागार्जुन की जो लाइन है दशक आधुनिकता वाली, इस तरह से चल के हमारे पास इस तरह से नामवर जी अपने आलोचना पत्रिका के माध्यम से कई धुमिल पे, अच्छा द्विवेदी पे, शुक्ल जी पे दो दो अंक निकाला उन्होंने, गालिब पे अंक निकाला, हिंदी में कोई सोच भी नहीं सकता है था उस समय कि भाई गालिब पे कोई विशेषांक निकाला जाए, उनकी प्रगतिशीलता को पढ़ा जाए, आधुनिकतावादी दौर में गालिब को कैसे पढ़ा जाए। इस तरह से उन्होंने नामवर जी ने अपने इस आलोचनात्मक विवेक को, संपादकीय विवेक को देखते हुए हम देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, और इस समकालीन रचनाशीलता के साथ काम करते करते इस तरह से उन्होंने एक लाइन देने की कोशिश की कि हमें आगे की आलोचना किस तरह से होनी चाहिए। बहस सिर्फ साहित्यिक बहस ही नहीं होती, वो बहस में रास्ता भी बताते हैं। हमें आज जरूरत है कि हम पता करें कि हमारे लिए पितामह की तरह कोई व्यक्ति है जो पूरी तमाम वर्षों को जानता है, देखता है, किस रूप में हमें लेके जाना चाहिए, हमें पता करना चाहिए, हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। नामवर जी को कभी आपको अब आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत, हमें सबसे ज़्यादा इसको उनकी ज़रूरत है कि हमें किस लाइन में लेके चला जाए, इन वर्षों को कैसे देखा जाए। तो अभी सब इधर चूक हो गई उसको देखते हुए, और आलोचना के संसाधक भी मौजूद हैं आशुतोष सर भी, आप भी, तो मैं तो कहूँगा कि आप जिस तरह से आलोचना ने एक तरह से पूरी एक फ्लैट इमारत तैयार करके रखी है, उसे और इमारत बनाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और मैं बस थोड़े से एक लाइन में, आशुतोष सर ने किताब लिखी समकालीन कविता और नाचवाद, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये जो जो पश्चिमी जो मार्क्सवादी हैं उनमें, और नई कविता के मार्क्सवाद, नई समीक्षा के आलोचक रचनाकार, और पश्चिमी मार्क्सवादी जो रेमंड विलियम वगैरह जितने भी लोग हैं वो, और इनकी जो एक निरंतरता उनको उत्तर आधुनिकता में दिखाई दे, और ये अगर आप इस निरंतरता को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि आलोचना पत्रिका जो है जो राज विकास वगैरह से होते हुए उसके जो 90-91 अंक में आके मिशेल फुको तो लेखक क्या है ये लेख है। बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने मुझे सुना, मैं शोध फोरम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना समय दिया, शुरुआती का भी बहुत शुक्रिया आप लोगों का।